जैन फ्रेंड जॉब सर्च चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एक और बड़ी भर्ती के बारे में, जो कि 116 पदों पर आपकी ICMR NIN हैदराबाद की तरफ से वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं, जिसमें ग्रुप सी के सबसे अच्छी वैकेंसीज आपकी रहने वाली हैं। ग्रुप ए की भी पोस्ट आप बी की भी पोस्ट इसमें रहेंगी, जो कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन पास वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। ऑल इंडिया के कैंडिडेट ऑनलाइन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें एग्लेबल रहेंगे। स्क्रीन पे आप ये नोटिस देख सकते हैं, ICMR की हैदराबाद की तरफ से रिक्रूटमेंट आपकी रहने वाली है, जिसमें बड़ी भर्ती आपकी आउट की गई है, जो भी आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की तरफ से परमानेंट रिक्रूटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी इसमें आउट की गई है। पहली पोस्ट आपकी टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें टोटल आपकी 45 पद रहने वाले हैं। लेवल 6 की ये पोस्ट आपकी आउट की गई है। टेक्नीशियन की है तो 33 पोस्ट टोटल आपकी इसमें आउट की गई है, जो कि लेवल 2 की ये पोस्ट आपकी रहने वाली है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 38 पद लेवल 1 की ये पोस्ट आपकी रहेगी। लेबोरेटरी अटेंडेंट 1 के लिए आपके 38 पोस्ट पे ये वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, तो कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 14 तारीख तक इस फॉर्म को आप फिलअप कर जाकर आप ऑनलाइन आपका अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी कंप्लीट आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली है वो भी चेक कर लेते हैं, सकते हैं। 24 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 14 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट भी आपकी दी गई है, सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, डेट अभी तक नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो डिसेबिलिटी जो भी कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रहने वाली है। SC ST सर्विस मैन और वुमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,000 रुपये प्लस जो भी ट्रांजेक्शन चार्ज आपके रहेंगे, और अदर जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 1,200 रुपये प्लस चार्जेज आपके रहेंगे। जो भी कैंडिडेट हैं ICMR के एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी आपकी अलाउड रहेगी, जो भी आपके चार्जेज हैं वो कंप्लीट आपके लगेंगे, उसकी अटेम्प्ट आपकी फ़ी नहीं की गई है। इसके बाद में अप्लाई आपका ऑनलाइन रहने वाला है, वेबसाइट आपकी बताई गई है NINRES वेबसाइट पर .in पर जाकर इसको ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल लग सकते हैं, फूड साइंस की जो पोस्ट हैं उनमें बैचलर डिग्री ऑफ फूड साइंस में आपका कंप्लीट होना चाहिए या फूड केमिस्ट्री में कंप्लीट होना चाहिए। टोटल आपकी 12 वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं। उसके बाद में बायोकेमिस्ट्री और में जो भी केमिस्ट्री की पोस्ट हैं तो उसमें जो भी आप फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए बायोकेमिस्ट्री में, या जो भी केमिस्ट्री जो दिए गए सब्जेक्ट में आपके 10 पोस्ट टोटल आपकी रहने वाली हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास भी इंजीनियरिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए या आपका पास डिग्री कोई भी होनी चाहिए। इसके बाद में सोशल वर्कर में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, टोटल 3 पोस्ट आपकी आउट की गई हैं। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट पोस्ट है जो कि स्टेटिक्स की, जिसमें 3 पोस्ट आपकी टोटल बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। डाटा साइंस के लिए 3 पोस्ट हैं, उसके बाद में सिविल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। जो कम्युनिकेशन की 2 पोस्ट हैं, फिशियोलॉजी की आपकी 1 पोस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी है उसके लिए आपकी 2 पोस्ट हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी आपकी 2 पोस्ट हैं, जिसमें बैचलर डिग्री कंप्लीट आपकी होनी चाहिए। ऑटोमोबाइल के लिए भी आपकी 1 पोस्ट आपकी आउट की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पोस्ट है टेक्नीशियन के लिए, टेक्नीशियन में आपकी 2 वैकेंसीज को अलग अलग बांटा गया है, जिसमें मेडिकल लेबोरेटरी के लिए 19 वैकेंसीज हैं। 12वीं पास हो 55% के साथ DMLT का कोर्स आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए 12वीं पास हो और 55% आपने डिप्लोमा आपने किया है तो 2 पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। एयर कंडीशनिंग में 12वीं पास के साथ आपने कहीं से भी डिप्लोमा आपने 1 साल का किया है वो आपके 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपके 2 पोस्ट के लिए 55% 12वीं पास में और आपके पास डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी टोटल 8 पोस्ट रहने वाली हैं 55% के साथ, और कंप्यूटर में कोई भी 1 साल का आपने कोर्स किया है, जो भी डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, जो कि 38 पोस्ट आपके आउट किए गए हैं। लेबोरेटरी के लिए जो पोस्ट है 10वीं में 50% मार्क्स होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 19 पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक्सपीरियंस है उसमें कंप्लीट सभी चीज़ें मेंशन की हुई होनी चाहिए, कोई भी फर्जी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाकर न लगाएं। यदि आपने कहीं भी लेबोरेटरी में सही तरीके से काम किया है तो ही आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाएं, नहीं तो आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में फंस जाएंगे, इसमें कहीं भी आपकी कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, अगली नेक्स्ट भर्ती भी देख नहीं पाएंगे।
क्योंकि ये जो भी ये वैकेंसी रहती है ICMR वगैरह की, जिसमें कंप्लीट आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है, और साथ में ही आपका जो भी काम है उसकी जानकारी के बारे में पूछा जाएगा आपको। तो जो भी कैंडिडेट हैं उनसे हिदायत दी जाती है, जो भी कैंडिडेट हैं आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास जो भी जिस प्रकार का है आपका सही होना चाहिए, और आपने काम आपने सही तरीके से किया वहाँ पे तो ही आप इस एक्सपीरियंस आप लगाएं। एनिमल फैसिलिटी के लिए भी सेम आपसे, या एनिमल जो भी फैसिलिटी है वहाँ से 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। टोटल आपकी 14 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए आपका ITI कंप्लीट होना चाहिए 10वीं में आपके 50% मार्क्स के साथ। 2 पोस्ट के लिए रेफ्रिजरेटर में भी ITI 10वीं में 50% के साथ, और इंटरमेशन में भी 1 पोस्ट आपकी 10वीं में 50% के साथ ITI कंप्लीट आपका होना चाहिए। इसमें एज की बात करें तो इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट में 30 साल लास्ट एज मांगी गई है, और जो भी आपकी दूसरी पोस्ट है टेक्नीशियन की 28 साल, और जो भी लेबर अटेंडेंट है उसमें 18 से 35 साल आपकी लास्ट एज रखी गई है। SC ST OBC हैं तो उसमें आपको एज की छूट मिल जाएगी। ये एज की छूट के बारे में आपका कंप्लीट इसमें पढ़ सकते हैं, और वेबसाइट पर 14 तारीख तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कंप्लीट जानकारी इसमें दी गई है, ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, देख सकते हैं, पूरी PDF को पढ़ सकते हैं। और जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपकी CBT एग्ज़ाम वगैरह कंप्लीट होगी तो वहाँ से उसी हिसाब से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सितंबर में आपकी एग्ज़ाम होगी, और सेंटर चॉइस भी आप इसमें दे सकते हैं। जो भी सेंटर दिए गए हैं इसमें सेंटर चॉइस आपके पास का सेंटर आप दे सकते हैं, तो उसमें आपकी एग्ज़ाम आपकी होने वाली है। सितंबर में एग्ज़ाम होगी, अच्छी वैकेंसीज हैं। पहली बार आपकी इतनी बड़ी वैकेंसीज ICMR में परमानेंट रिक्रूट के रूप में आपकी निकाली गई हैं, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करें। यदि आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, क्राइटेरिया कंप्लीट आपका पूरा करते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। इसकी वेबसाइट ये आपको दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। वेबसाइट दी गई है, उसके साथ ही आपका जो भी कोई इसमें सिलेबस की जानकारी और कंप्लीट अदर कोई नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक वीडियो के नीचे दी गई है। जय हिंद दोस्तों।